नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं दिखाने वाला हूँ अपने छत पे मैंने नया नया क्या जो बीज लगाया हुआ हूँ, तो कौन सा मैंने नया प्लांट लगाया हूँ, चलो वो सब आपको दिखाने वाला हूँ आज। तो यहाँ पहले देख सकते हैं, ये बैंगन का प्लांट है। तो इधर देख सकते हैं, 4-6-7 पैकेट मैंने बैंगन लगाया हुआ है। तो ये सब मैंने पहले लगाया हुआ था, तो ये सब देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रो हो चुका है और बड़े बड़े प्लांट हो चुका है। और इधर 4 है, तो इसको मैंने थोड़े कुछ दिनों बाद लगाया था, जिसके कारण ये थोड़ा अभी छोटे हैं। तो ये सब में देख सकते हैं आप, फूल भी आने लगा है बैंगन का। यहाँ देख सकते हैं, इसमें भी फूल आ चुका है और इधर भी आ चुका है। ये देख सकते हैं, इसमें भी फूल आने आ चुका है। तो ये सब मैंने घर पर ही बीज से ग्रो किया था। तो ये लगभग 1.5 महीने हो चुके हैं लगाए हुए। तो ये सब देख सकते हैं, इसमें फ्रूटिंग भी होना शुरू हो चुका है। और ये कुछ दिन बाद लगाया था, तो ये अभी छोटा है। तो एक पैकेट में मैंने 2 प्लांट लगाया है, देख सकते इसमें भी 2 है और इसमें भी 2, और इसमें सिंगल है, इधर भी सिंगल है। देख सकते कितने अच्छी तरह से ग्रो हुआ है। और इसमें मैंने कोई भी खाद अभी तक नहीं दिया हूँ, सिर्फ गोबर की खाद दिया हूँ, ये देख सकते हैं। और ये अभी फूल आना शुरू हो गया है। तो चलिए और क्या क्या है सब दिखाते हैं धीरे धीरे आप सभी को। ये टमाटर है, और टमाटर का भी साइज देखिए कितना बड़ा बड़ा हो चुका है। और एक पेड़ में लगभग 15 से 20 टमाटर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। सब टमाटर का साइज देखिए कितना बड़ा बड़ा है। और इसमें से कुछ पक गया था तो मैंने तोड़ लिया हूँ, और अभी कुछ बाकी है पकना। तो ये देख सकते हैं साइज टमाटर का कितना बड़ा बड़ा टमाटर लगा हुआ है। तो चलिए और दिखाते हैं। और इधर देख सकते हैं, ये कुछ मिर्ची का प्लांट है, इसको भी मैंने बीज से ग्रो किया था घर पे ही जगह पर ग्रो किया था। ये बड़ा हो गया तो मैंने इसको इस पैकेट में ट्रांसप्लांट कर दिया हूँ। तो करीबन 8 मिर्ची का प्लांट है, ये देख सकते इधर। तो इसको भी मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया हूँ इधर। तो चलिए और क्या दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये बड़े वाले बीन्स है, ये देख सकते हैं पूरा कितने अच्छी तरह से मैंने इसको यहाँ पर बना दिया हूँ। तो ये सारे ऊपर चढ़ गया है, और इसमें भी फल आना शुरू हो चुका है, ये देख सकते हैं। इसमें भी ये सब्जी आना शुरू हो चुका है, ये बड़े वाले बीन्स है। तो चलिए और दिखाते हैं। और इधर देख सकते हैं, ये भिंडी का बीज जो कि मैंने करीबन 1 सप्ताह पहले लगाया हुआ था, तो ये सब भी जमना शुरू हो चुका है। इसमें भी है, और इसमें भी देख सकते हैं, ये भिंडी ये भी जमना शुरू हो चुका है। तो चलिए और चलते हैं और क्या दिखाते हैं। इधर देख सकते हैं, ये लाल साग कितने अच्छी तरह से ये हो चुका है, ये देख सकते हैं कितना बड़े बड़े मोटे मोटे हो चुका है। ये कुछ दिन में अब बस निकालने लायक हो चुका है, इसको कुछ दिन में निकालेंगे। तो चलिए और चलते हैं और क्या है। और इधर देख सकते हैं, ये मिर्च, काली मिर्च, यहाँ भी करीबन एक दूर से दिखाता हूँ, 8-10 पैकेट है काली मिर्च का, इधर देख सकते हैं। और यहाँ भी एक है मिर्च का, तो इस पर भी अब मिर्च फरना शुरू हो चुका है, ये देख सकते हैं। और दिखाता हूँ, और यहाँ देख सकते हैं कुछ पुई का प्लांट, इसको मैंने परसों ही लगाया था, तो ये थोड़ा अभी सूखा हुआ है। 4 पैकेट में मैंने पुई का प्लांट लगा दिया। और मिर्ची में ये देख सकते हैं लहसुन का, ये लहसुन का प्लांट है, इस पर जगह खाली था तो मैंने इसमें लगा दिया लहसुन। इधर भी है, इस पर भी देख सकते हैं लहसुन का प्लांट। तो चलिए और क्या है और दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं धनिया, कभी कभी 15 से 20 दिन पहले मैं लगाया था, और कितना अच्छा तरह से ग्रो होने लगा ये धनिया, कितना बड़ा बड़ा और कितना हरा भरा पत्ता है। और इसमें कुछ मिर्ची का बीज लगाया हुआ था, तो ये भी जमना शुरू हो चुका है, इसको भी मैं 3-4 दिन पहले लगाया था, तो ये भी देखिए कितना अच्छा तरह से जमना शुरू हो चुका है। देख सकते हैं मिर्ची का, और ये मोटे वाली मिर्ची है, मैं सामने से आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं ये मोटे वाली मिर्च है, ये भी कितना अच्छा तक ग्रो हो चुका है। इस पर भी मैंने 2 प्लांट लगाया हूँ ऐसे एक बैग पे, जिसमें देख सकते हैं कितना ढेर सारा मिर्ची लगा हुआ है, करीबन 8 से 10 मिर्ची एक प्लांट में है। इसका मेरे पास 3-4 प्लांट है, इधर देख सकते, इधर एक है और एक इधर, सभी में मिर्च फरना शुरू हो चुका है। और इधर भी एक मिर्च का, ये मोटे वाले मिर्च, आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं इस पर भी लगना शुरू हो चुका है मिर्च। और इधर एक मिर्च का, ये लंबे वाले मिर्च है, हरी मिर्च, ये लंबे वाले देख सकते हैं, इतने से छोटे प्लांट में देखिए कितना सारा मिर्च लगा हुआ है। इस पर भी मैंने सिर्फ अभी गोबर का खाद दिया हूँ, और कुछ भी खाद नहीं दिया हूँ, बस सिर्फ गोबर का खाद। और देख सकते कितने सारे मिर्च लगना शुरू हो चुका है।
और अपने इस तरफ पे है काली मिर्च, ये भी लंबे वाले काली मिर्च है। पहले जो मैं दिखाया वो छोटे वाले थे, ये लंबे वाले काली मिर्च है। इसमें भी देख सकते कितना सारा मिर्च लगा हुआ है, देख सकते सारे काले मिर्च कितने बड़े बड़े हैं। ये भी देख सकते कितना अच्छा से मिर्च फरने लगा इस पर। सब में मैंने सिर्फ गोबर का खाद दिया है और कुछ भी नहीं। इसमें भी देख सकते कितने अच्छे तरह से मिर्च, कितने सारे मिर्च लगा हुआ है। तो इस जगह पर सिर्फ मिर्च का ही गाछ है। इधर देख सकते इधर भी छोटे वाले काली मिर्च, इधर मोटे वाले मिर्च था, इधर हरे वाले लंबे मिर्च, इधर लंबे वाले काली मिर्च। तो यहाँ पर सिर्फ का मिर्च का ही पौधा है, चारों तरफ आप देख सकते हैं। तो चलिए और क्या है और दिखाते हैं आपको। तो यहाँ भी एक प्लांट है देख सकते हैं आप, उसको बोला जाता है फूट ककड़ी, जो कि बड़े साइज ककड़ी का होता है जो फूट जाता है, तो इसको फूट ककड़ी बोला जाता है। इस पर भी देख सकते हैं कितना सारे फल लगना शुरू हो चुका है। इधर देखिए एक दो, इधर तीन, इधर चार, करीबन 8-10 लग चुका है इसमें भी। तो ये भी बड़ा होगा तो आप लोगों को दिखाएंगे कैसा होता है ये फल। मैंने भी इसको पहली बार देखा, ऑनलाइन से ऑर्डर किया था बीज, तो मैंने लगाया और ये गाछ लग गया है, फल भी आ चुका है। तो फर्स्ट टाइम मैं भी ये अपने गार्डन में ये लगाया हूँ, तो देखते हैं बड़े होके कैसा लगता है ये। तो बड़े होगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा। और इधर हमारा गाजर, जो कि मैं पहले वीडियो में भी दिखा चुका हूँ, ये पूरे लाइन से देख सकते हैं गाजर लगा हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं ये शिमला मिर्च का सीड है, ये भी कितने अच्छी तरह से जर्मिनेट हो चुका है। इसको भी मैंने कुछ दिन पहले, करीबन 10-20 दिन पहले लगाया था। ये सारे शिमला मिर्च है, ये देख सकते हैं कितने सारे, ये बड़े सारे गमले में सारे शिमला मिर्च ग्रो हो चुके हैं। तो और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो सबको इसको बड़े प्लेकेट में देते हैं। देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से ग्रो हुआ है और कितना सारा मिर्च है शिमला मिर्च। तो ये जब बड़ा हो जाएगा तो इसको बड़े पॉट प्लांट कर देंगे, तब इसको इसी पे छोड़ते हैं। इधर देख सकते हैं ये गमले में स्ट्रॉबेरी, देख सकते कितने अच्छी तरह से स्ट्रॉबेरी हो चुका है। इसमें भी कितने सारे फल लग चुके हैं स्ट्रॉबेरी के, बहुत सारे मैंने पहले तोड़ भी लिया हूँ, अभी भी बहुत सारे हैं। देख सकते हैं आप सारे हरे हैं, अभी पका नहीं है, कुछ दिन में ही पकने वाले हैं। देख सकते कलर आना शुरू हो चुका है। फिर देख सकते ये लौकी का प्लांट, ये भी करीबन 15-20 दिन पहले लगाया हुआ है। ये भी देख सकते कितने अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, अभी छोटे प्लांट है ये, तब ये डंटा निकलना शुरू हो चुका है इसका, ये देख सकते हैं इसका। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही ऑर्गेनिक खेती देखने के लिए। जितने भी और सारे मेरे जो गार्डन में प्लांट आएंगे सभी का अपडेट मैं देता रहूँगा आप लोगों को। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।